Bear's Fairyland. आलसी गधा। यह कहानी शुरू होती है एक गांव से, जिसमें एक व्यापारी रहता था। वो बाजार जाके भिन्न प्रकार के सामान को बेचकर घर चलाने के लिए पैसे कमाता था। व्यापारी के पास एक गधा था। वो सामान की बोरी उस पर लादता और बेचने बाजार लेकर जाता था। व्यापारी जानता था कि गधा उसके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो गधे का बहुत ख्याल रखता था, उसे बढ़िया खाना खिलाता था। गधा बहुत ही ताकतवान था, बहुत सारी बोरियां अपनी पीठ पर लेकर बाजार जाता था। पर गधा बहुत ही आलसी था, उसे सिर्फ खाना और सोना ही पसंद था, काम करना पसंद ही नहीं था। आज फिर से बाजार जाना पड़ेगा, मालिक मुझे छुट्टी ही नहीं देते, रोज काम करना पड़ता है, पर मैं तो आराम करना चाहता हूँ। अरे गधे, चल जल्दी बाजार जाना है, तुझे क्या पता मैं एक दिन भी बाजार नहीं गया तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, पैसा नहीं तो हम खाएंगे क्या। व्यापारी गधे को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार पार करने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। उस दिन व्यापारी के दोस्त ने उसे बताया, बाजार में नमक की बहुत मांग है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, अब मुझे नमक बेचना शुरू करना चाहिए, उसी से मेरी अच्छी खासी कमाई होगी। जल्द ही व्यापारी ने नमक की बहुत सारी बोरियां तैयार की। व्यापारी गधे को लेकर बाजार चला गया। उस दिन व्यापारी की सारी नमक की बोरियां बाजार में बिक गई। मेरे दोस्त ने मुझे सही ही कहा था, बाजार में नमक की बहुत ही मांग है, आज तो मेरी सारी बोरियां बिक गई। व्यापारी ने रोज नमक बेचना शुरू किया और अच्छे पैसे कमाने लगा। एक दिन व्यापारी ने गधे पर फिर से नमक की बोरियां लाद दी और चल पड़ा बाजार की ओर। वो लोग नदी की ओर पहुंच गए। अरे आज नदी में पानी कुछ ज्यादा ही है, आज हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पानी में फिसल के गिरना नहीं चाहता। वो आधी नदी पार कर ही चुके थे, तभी गधा पैर फिसल कर पानी में गिर गया। व्यापारी ने बड़ी मुश्किल से गधे को खींचकर नदी से बाहर निकाल लिया। अरे वाह, बोरियां अभी भी मेरी पीठ पर हैं, पर उसका वजन महसूस ही नहीं हो रहा है, मतलब इस नदी के पानी में जरूर कोई जादुई शक्ति है। गधा ये नहीं जानता था कि जब वो पानी में गिरा तब बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया, इसी वजह से उसे हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि तब बोरियों में नमक ही नहीं था। मेरी सारी मेहनत बेकार गई, अच्छा हुआ कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ, चलो अभी घर लौट जाते हैं। आज तो काम से छुट्टी ही मिल गई और घर जाके बस आराम ही करना है, ये तो सच में जादू ही है। गधे ने घर जाकर आराम किया। अगले दिन फिर से व्यापारी गधे को लेकर बाजार चल पड़ा। आज फिर से काम करना पड़ रहा है, मैं आज भी काम को टाल सकता हूँ, बोरियों का वजन कम कर सकता हूँ, उस पानी में जादुई शक्ति है। जैसे ही व्यापारी और गधा नदी की ओर आए, गधे ने पानी में छलांग मार दी और फिर से सारा नमक पानी में घुल गया और बोरियां हल्की हो गई। गधा खुश हो गया। अरे क्या कर रहे हो बेवकूफ, खड़े हो जाओ, कहीं ये गधा जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा है ना, मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ और ये आलसी गधा मेरा ही नुकसान कर रहा है, इसे घर लेकर जाता हूँ और अच्छा सबक सिखाता हूँ। गधा फिर से खुश था कि आज भी काम से छुट्टी मिल गई, पर व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले दिन व्यापारी फिर से गधे को लेकर बाजार चल पड़ा और गधे को नदी के पास ले गया। अब मेरा जादू दिखाने का समय आ गया है। गधा फिर से पानी में जानबूझकर फिसल गया और उसी जगह पर बैठ गया। आज तो मजा आएगा, मैं गधे की बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। अरे ये क्या हो गया है, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। व्यापारी बहुत ही होशियार था, उसने बोरियों में नमक की बजाय कपास भरी थी। जैसे ही बोरियों में पानी गया, कपास ने पानी सोख लिया और बोरियां बहुत ही भारी हो गई। तुम्हें क्या लगा कि आज भी तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे,
अभी तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, वो भी ये भारी बोरियां लेकर। गधा समझ गया कि पानी में कोई भी जादुई शक्ति नहीं थी। अब तो पीठ पर दुगना वजन लेकर गधे को बाजार जाना था। गधे की पीठ बहुत दुखने लगी और यही गधे की शिक्षा थी। उस दिन के बाद गधे ने कभी भी पानी में बैठने की हिम्मत नहीं करी। इस कथा से यही बोध मिलता है कि काम करते वक्त कभी आलस नहीं करना चाहिए।